अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी वो तुम्हें परेशान होते हुए देखा तो हेल्प करती, मैं बाहर चला जाता। नहीं नहीं, किचन जा ही रही थी मैं। चाची, तुमसे कुछ बात करनी थी। माना कि हमारे पास एक दूसरे के साथ रहने के लिए सिर्फ दो ही दिन बचे, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे एकदम ठीक देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगर कल मैंने तुम्हें पागल खाने भेज दिया होता ना दालचीनी, तो मैं खुद को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाता। I'm sorry, दालचीनी, मेरे का। रिश्ते में अगर प्यार होना तेजसर जी, तो रिश्ता खूबसूरत हो ही जाता है। लेकिन रिश्ता चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, भरोसे की भी जरूरत होती है। और मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, रोक ही लेंगे। आपसे ना मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते पर जो मेरा भरोसा है ना, वो हम दोनों के लिए काफी है। तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था ना, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं। वो माँ कैसे ठीक हो सकती है बेटा, जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा अपने दिए हुए वादे से मुकर रहा हो। I'm just surprised बेटा कि तू कितनी जल्दी भूल गया कि तूने अपने छोटे भाई को खो दिया है इसकी वजह से। आप हजार बार मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मैं 1001 बार यही जवाब दूंगी कि मैंने दीपक को नहीं मारा है। आप तो अच्छी तरीके से जानती होंगी ना मम्मी जी कि दीपक का असली खूनी कौन है। Just shut up! Mom, 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 डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, आपको इन सब बातों का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्लीज। Really? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? अगर तू सचमुच ऐसा चाहता ना, तो तू मेरी बात सुनता। आज तुझे मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी अगर तू चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे प्रॉमिस कर कि अगले दो दिन तू एक ही कमरे में इस लड़की के साथ नहीं रहेगा। दो दिन बाद जो रिश्ता टूटने वाला है, तो ये समझ ले कि वो आज से टूट गया। तो चल मेरे साथ। मंगलसूत्र में इतनी ताकत है कि आप तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति इस मंगलसूत्र का एक मोती भी नहीं तोड़ सकती। आज आप अपने बेटे को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जरूर जाइए, लेकिन आप मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर सकती। ये दालचीनी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं राज रानी ने उसे फिर से तो नहीं पकड़ लिया? सर, दालचीनी,
क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और मम्मी जी और कला का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे और कोई सबूत भी नहीं है हमारे पास। बस एक ही तरीका बाकी है हमारे पास, और वो तरीका है कला। कला को तोड़ना होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कला खुद अपना जुर्म सबके सामने कबूल करे। लेकिन हम दाल चीनी ये करेंगे कैसे? दीपक की मदद से। क्या मतलब? अरे बच्चा बच्चा, इधर आ इधर आ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हौसला रख। ये पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा है ना, और विम्मी दीदी भी यही चाहती है कि दीपक की आत्मा की शांति के लिए ना ये तांत्रिक पूजा हो। आत्मा की शक्ति है। वहाँ क्या खड़ी है? तेरे पति की आत्मा की शांति चाहिए ना, इस घोले के बीचों बीच खड़ी हो जा। मेरे चाची आप भी चलो ना, मेरे साथ चलो ना। अरे पागल हो गई है, ये पूजा पत्नियां करती है पति के लिए। पूजा मैं यहीं पे हूँ, पूजा चल। मुझे नहीं करना ये सब, मैं जा रही हूँ वापस, मैं जा रही हूँ। मूर्ख लड़की, अगर ये पूजा तू अधूरी छोड़कर गई तो ये आत्मा हमेशा के लिए तुझ में अटक जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, जब भी भूत प्रेत की बात आएगी ना, ये कला के सारे हीकड़े निकल जाएगी, बहुत डर जाएगी। आत्मा नमः। पंडित जी, बाबा जी, दिव्य चाची। चला, उस दिन तो तुम डरी हुई नहीं थी, फिर आज किस बात का डर लग रहा है? मुझे बहुत बड़े करते हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे, तुमने मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। नहीं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे माफ कर। मैं वो भूल गई थी कि वो भूतों को तो मतलब आत्माओं को तो सब कुछ पता होता है ना, मुझे माफ कर दो। तुम दीपक, तुम मुझे मुझे तो नहीं मारोगे? पश्चाताप तुझे अभी से करना होगा कला। याद कर उस शाम नहर पर क्या हुआ था। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।